बलात्कारी बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ईसा को पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस ने मिलकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है और उनको कल पंजाब लिया जाएगा और उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। आपको बता दें, हनीप्रीत पर देशद्रोह, हिंसा करने और भीड़ को उकसाने जैसे काफी गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। बाबा को कोर्ट में बलात्कारी करार दिए जाने के बाद से राम रहीम की सुरक्षा में तैनात कमांडोज ने बाबा को पंचकुला कोर्ट से भगाने की कोशिश भी की थी। बताया जा रहा था बाबा को भगाने की पूरी साजिश हनीप्रीत ने रची थी, इसलिए उन पर देशद्रोह जैसे संगीन आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है हनीप्रीत ईसान ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकली थी। वो नर्स के गेटअप में थी और अपने बालों को सफ़ेद और नर्स के कपड़े पहने हुई थी। हनीप्रीत का पासपोर्ट भी जब्त हुआ है जिसमें उसका असली नाम प्रियंका तनेजा लिखा हुआ है।